हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति की दुनिया में स्वागत है। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। और ये ब्लॉग्स में आई थिंक एक सप्ताह बैक का शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। और जैसा कि मेरा 9th मंथ आप लोग के साथ मैं हर जर्नी शेयर कर रही हूँ, तो अब मेरा वो लास्ट टाइम आ चुका है जिसमें कि मेरा बहुत ही मतलब क्या ही कह सकते हैं, दर्द हो रही है। और ये मेरा 2-3 दिन तक लगातार ऐसे ही पेन होते रहा है। तो मैं अपना हर जर्नी आप लोगों के साथ शेयर, क्योंकि एक लेडीज़ के साथ, एक गर्ल्स के साथ, एक वीमेन के साथ इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं मेरा ब्लॉग्स आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। एंड कैसे क्या चीज़ें शेयर, तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, कैसे मैनेज करना पड़ता है एक हाउसवाइफ को, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। आई थिंक मैं ज़रूरी समझती हूँ कि हाँ, मैं अगर आप लोग के साथ खुशी शेयर करती हूँ तो गम भी शेयर करूँ। सो ये मेरा बेबी होने का 2 दिन 1 दिन पहले का, आई थिंक 1 दिन पहले का ये वीडियो है, जिस दिन मैं हल्का हल्का 2 दिन पेन में रही थी और फिर दर्द हो रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। तो इस तरीके से 2 दिन मेरा बहुत ही तकलीफ़ में बीता है और बता नहीं सकते। बस मैं लेटे लेटे पानी पी के टाइम को निकाली हूँ। और उस दिन और बहुत दिन से मम्मी बोल रही थी कि जैसे कि तुमको मतलब होने के पहले, बाबू होने के पहले मतलब कुछ बना के खिला देंगे। बहुत दिन से मेरे को समोसे भी खाने का मन था बट बन नहीं पा रहा था। होता नहीं कि जिस दिन दिन बनता है कोई चीज़ का, उसी दिन बनता है। तो यहाँ पे एक बैग से मेरा डेट था आई थिंक 7 सितंबर को, लेकिन मेरा 27-28 से ही पेन स्टार्ट हो गया था। तो इस वजह से और लगातार वोमिटिंग भी हो रहा था। तो आज मम्मी बोली कि अब फिर पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, हॉस्पिटल चली जाओगी। तो फिर वो समोसा वगैरह बनाने लगी थी। बट ये होता ना, इसमें ऐसा मेरा दर्द हो रहा था, दर्द कुछ देर हो रहा था फिर आराम हो जा रहा था, तो मैं फिर खाना वाना खा ले रही थी। तो बस लास्ट मेरा ये हॉस्पिटल जाने का 1 दिन पहले का वीडियो है। सो आप लोग के साथ शेयर करी हूँ। तो आई होप आप लोग ये जर्नी को इंजॉय करोगे। एंड एक लेडीज़ के साथ क्या दिक्कतें होती हैं, क्या प्रॉब्लम होती हैं, वो मेल फीमेल समझ पाओगे और गम खुशी बांट पाओगे। और आप लोग बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस चीज़ से छुटकारा पाऊँ और अच्छे से मेरा बेबी गोद में आ जाए। और मैं बस आप लोग के साथ ये क्या ही बताऊँ, क्या ही बोल सकती हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, तकलीफ से उभर पाऊँ बस आप लोग भगवान से प्रार्थना करो। सूट कर लीजिए। डिलीवरी के 1 दिन पहले का दिन मेरा कुछ ऐसे बीता था, हल्का पेन में, हल्का तकलीफ में, फिर नॉर्मल हो जा रहा था। तो यहाँ पे समोसे बन रही थी तो मैं निशू बोली कि निशू आप क्लिप को ऐड कर लीजिए, मतलब थोड़ा सा फुटेज ले लीजिए, आई थिंक हो सके कोई ना कोई को वीडियो यूज़फुल हो जाए समोसे रेसिपी। तो यहाँ पे जीरे और मिर्च से तड़का लगा
फ्राई कर लिए हैं चोखे को, अदरक लहसुन प्याज और हरी मिर्च के साथ बादाम फ्राई करके, आलू बॉईल करके रख ली थी और बादाम फ्राई करके किया हुआ उसी में मिला दी हैं। और मम्मी को ना समोसा पाने काफ़ी अच्छे से आता है, और चोखा आलू जो होता है ना उसको हल्का मतलब मोटा मोटे ही, मतलब पूरा अच्छे से कस नहीं करना, उसको हल्का छोड़ देना है ऐसे ही गुल्फी 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 में। और ये चोखा बन के रेडी है, मसाला बन के रेडी है समोसा का, अब मम्मी बस समोसा पार लेंगी। तो कुछ मेरा ऐसा दिन उस दिन बीता था, नरम गरम ठंडा यही कह सकते हैं। सब लोग मज़े ले रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई बोल रहा था कि इसको भूख भी लगा, इसको दर्द भी हो रहा है, पता नहीं चल रहा था उस टाइम कैसे बीत रहा था, कभी तकलीफ में कभी हंसी में। सो ऐसे मेरा दर्द कम करने के लिए समोसा बना लोग के साथ शेयर की हूँ। सुबह शाम तक समोसा निकाल देंगे, चैनल में टाइम गया था। इनका ना रात में बोले ना कि ऊपर के एक पेशेंट थी उसके साथ ऐसे, सब तो समोसा सबके घर में पसंद है, इनका रो समोसा पसंद है। पानी लगाते हैं ना, रिफाइन लगा, कच्चा कच्चा कुटवा तो नहीं है, चिपका दे जब जेकर दिन बनता है, आज एक दिन बन रहा था। हाँ समोसा सब कलाकार घरे में, आपको होटल खोलना चाहिए। एगो ने दाल फ्राई के कलाकार है, पापा बैठा पूरा परिवार एगो अथ चलाइए दुकान। वाह बड़ा बड़ा शहर में, मम्मी अमेरिका में मुंबई में सब लेडीज सब वहाँ पे कोई घर नहीं बैठती है, सब कुछ ना कुछ चाय के दुकान को सब छोटा समझता ना, एक कैफे जैसा खोल खोल के सब चाय पीते ना। वो मूवी में बताता है कि इंडिया का हेला गरीब कंट्री है, सब बैठल मुँह ताकता है। हाँ अमर दाना सब जाता कहाँ आओ है बहुत, जैसे उत्तरा उत्तराखंड चल जाइए तो वहाँ पे लेडीज सब करती है, घर में सब कुछ खड़ खड़ के बेचती है, जिकर दे आता है वो बना समोसा के। तो यहाँ बिहार वाला समोसा का टेस्ट यहाँ कहाँ मिलता है, मीठा बनता है। सो गाइस तो यहाँ पे समोसा का जो आटा गुथा है ना मैदा, उसमें थोड़ा सा सोडा डाल लिए हैं, थोड़ा सा रिफाइंड डालिए, हल्का सा नमक और अजवाइन डाल के हल्का करा गूँथ लेना है और उसको कुछ देर तक ढक के छोड़ देना है। उसके बाद उधर छोटे छोटे लोइया लेके उसको लंबे लंबे बेल के उसको दो पार्ट में कट कर लेना, जैसे कि नीशू उधर से दे रही हैं और मम्मी इधर भर रही हैं। तो यहाँ पे मेरे घर में सबको कुछ ना कुछ बनाने आता है, जैसे मम्मी को आता है समोसा बनाने, मेरे को चाट बनाने आता है, बाकी मैं सब्जी उब्जी छोला वोला अच्छे से बना लेती हूँ। नीशू को स्पेशलिस्ट चाय है, पापा स्पेशलिस्ट मेरे फैमिली मेम्बर में, ससुर जी दाल फ्राई अच्छा बनाते हैं, फिर नंद मेरी एक बीच वाले वो सब्जी अच्छा बनाते हैं, मतलब कोई, और मेरे हस्बैंड को मटन चिकन नॉन वेज बनाने आता। तो यही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग सारे फैमिली को कुछ ना कुछ बहुत ही बेटर बनाने आता है, तो क्यों ना हम लोग प्लानिंग करके कुछ किया जाए। सो इसलिए हंसी मजाक चल रही थी बस फैमिली का, ऐसे कुछ मेरा डिलीवरी से एक दिन पहले का टाइम निकला था। सो आप लोग के साथ मैं ये ब्लॉग शेयर की, तो आई होप आप लोग बस इंजॉय करोगे एंड प्यार दोगे, ब्लेसेस दोगे, आशीर्वाद दोगे कि मैं जल्दी से एक नए जीवन में प्रवेश करूँ। सो डिलीवरी के दो दिन पहले का ये ब्लॉग है, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा और मेरा जर्नी
समझ पाएंगे कि मैं एक तकलीफ से कितना गुजर रही हूँ, उसके बाद भी मैं अपने आप को खुश रख रही हूँ कि मैं कैसे भी अपने आप को हिम्मत बना रही हूँ